हेलो गाइस, अमन है योर योगा एंड फिटनेस ट्रेनर। किवे तुसे सारे, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्रीवियस वीडियो में हमने लैट्स को कवर किया है कि अगर आपको लैट्स का इशू हो रहा है, कि बैक पेन का इशू हो रहा है और उसके लिए बैक मसल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आपके लिए उस पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल लैट्स मसल होती है। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने सिंपल स्ट्रेचिंग बताई थी आपको, जो आप वॉल के साथ में कर सकते हो या फिर स्टूल के साथ में कर सकते हो, जिससे आपके लैट्स की मसल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिंपल योगा टेक्निक, योगा स्ट्रेचिंग आपको बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे जो आप कर सकते हो, और उससे भी आपका जो लैट्स मसल है वो अपने आप ही स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऊर्ध्व हस्तासना। उसके लिए सबसे पहले फुट शोल्डर विड्थ अपार्ट, stand straight, now breathe in, take your hands up, close your hands, breathe out, take them down. इससे आपकी सारी lats मसल involve हो रही है। breathe in, take your hands up, breathe out, down. do it 5 times. breathe in up, breathe out down, 4 up and down, breathe out. this is first exercise. so first exercise. सेकेंड एक्सरसाइज विल डू इन सिटिंग स्टांस। फर्स्ट कम इन सिटिंग स्टांस, सिटिंग वज्रासन लाइक दिस। हम करेंगे ईगल पोज, इसको गरुड़ आसन भी बोलते हैं। सो फर्स्ट स्ट्रेच योर राइट हैंड, क्रॉस योर राइट लेफ्ट हैंड लाइक दिस। दिस इज गरुड़ आसन। ये भी आपकी लैट्स मसल को स्ट्रेंथनिंग देगा और रिलैक्स करेगा मसल को, जिसकी वजह से क्रैम्प आ रहा है। सो नाउ टेक योर हैंड डाउन, डू सेम विद द ऑपोजिट, डू इट 10 टाइम्स। दिस इज सेकेंड एक्सरसाइज जो कि आपकी लैट्स मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। सो थर्ड वन इज डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अधोमुख स्वनासना। सो नाउ विल डू इट। फर्स्ट मूव टू चाइल्ड पोज, दिस इज चाइल्ड पोज। नाउ फ्रॉम हियर कम अप इन कैट काउ पोस्चर, कम ओवर योर टोज, टेक अ नी अप, मूव टू डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और माउंटेन पोज। नाउ फ्रॉम हियर टेक अ नी डाउन, कम ओवर एंकल एंड कम इन चाइल्ड पोज। इस पोस्चर में आप कॉन्टिन्यूसली चाइल्ड पोज से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाओगे। कम अप, मूव टू डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इस पोजिशन में आपकी शोल्डर स्ट्रेंथनिंग हो रही है, लैट्स मसल अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। एंड डू ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 टाइम्स। अगेन गेट डाउन एंड मूव टू चाइल्ड पोज, यू विल डू इट 5 टाइम्स। या 5 टाइम्स करोगे। सो नाउ दिस इज आउटवर्ड फेसिंग डॉग एंड अर्धमुख स्वनासना। सो उसके लिए फर्स्ट लाई डाउन ओवर योर बेली लाइक दिस, आउटवर्ड फेसिंग डॉग। नाउ लिफ्ट योर बॉडी अप इन दिस पोजीशन, टेक अ नी अप एंड लुक अप, ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स, देन टेक अ नी डाउन, टेक अ हेड डाउन। दिस इज आउटवर्ड फेसिंग डॉग। कोबरा पोज पे आपकी नी की सपोर्ट आप लेते हो, कोबरा पोज कि आपको आपकी नी की सपोर्ट मिल रही है एंड डाउन। लेकिन अपवर्ड फेसिंग डॉग में आपका पूरा बॉडी वेट टोज पे होता है, एंकल्स पे होता है और नी हवा में होता है लाइक दिस। ये डिफरेंस होता है अपवर्ड फेसिंग डॉग में। सो नेक्स्ट वन, कम अप टू जायंट पोज, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपके लैट्स के लिए अच्छी है वो है कैट काउ पोस्चर। सो हाउ यू विल डू कैट काउ, सो फर्स्ट कम इन दिस पोजिशन, आपके हाथ शोल्डर के नीचे होने चाहिए और थाई स्ट्रेट, वन लाइन में पैरेलल लाइन में स्ट्रेट। सो नाउ ब्रीद इन, टेक अ हेड अप, लोअर बैक डाउन, नाउ ब्रीद आउट, टेक अ नेक डाउन एंड लोअर बैक अप, ब्रीद इन टेक अ हेड अप, breathe out, take a head down, breathe in up, breathe out, down. you will repeat it 10 times. that's all. अगर आप ये सिंपल सी एक्सरसाइज कर लेते हो, सिंपल से योगा आसन है, अगर आप इनको कर लेते हो तो आपके मसल्स की, लैट्स मसल की, शोल्डर की और बैक मसल्स की बहुत अच्छे से स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि
कि नेक्स्ट वीडियो मेरे को किस टॉपिक पे बनानी चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू. कैच यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.